ये भालू स्काउट शुरू करने का आइडिया एकदम मस्त था। राजेश, मेरे आइडियाज हमेशा मस्त ही होते हैं। तुम तीनों कितने क्यूट लग रहे हो। मॉम, हम क्यूट नहीं है, हम भालू स्काउट्स हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। करण, तुम आ रहे हो या नहीं? मॉम, आपका फोटो सेशन खत्म हो गया। ओ, ये कितना कूल लग रहा है। करण, कूल अलाउड नहीं है। हमने अपनी फर्स्ट मीटिंग शुरू नहीं की और तूने रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया। देख कबीर, मैंने तेरा क्लब इन बकवास रूल्स को फॉलो करने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती, चीजों पे कूदना और आग लगाने आया हूँ। वही चीजें जो तुम मेरी लॉबी में किया करते हो। वैसे मानसिंह जी, आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप इन बच्चों के लीडर बन गए। खुद से अच्छा ये काम और कौन कर सकता है। वैसे जब मैं स्कूल में था, मैं भी भालू स्काउट्स में था। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ सॉरी। अटेंशन। अब जवान सीधा देखो, सीधा। यस सर। तुम अपने बाल कटवाओ। क्यों सर, रूल्स में लिखा है क्या? रूल्स की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जंगल में मधुमक्खियां तुम्हारे सर पर अपना घोंसला बनाए। यस सर। वो वेरी गुड। सी नो होमवर्क, हियर नो होमवर्क, डू नो होमवर्क। ये भालू स्काउट्स का कोई नया नारा है? नहीं सर, अब तक तो नहीं, लेकिन मैं इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नजर तुम पर है। चलो बैठ जाओ, शुरू करते हैं। मानसिंह जी, हमारे रूल बुक के पैराग्राफ 2 ए सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि हमें हर मीटिंग की शुरुआत हमारे भालू स्काउट के सीक्रेट एंथम के साथ शुरू करनी चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। सीक्रेट एंथम? ओह, सीक्रेट मतलब नो मॉमीज अलाउड। हां, एनीवे क्विकली स्माइल। प्रीति, ठीक है ठीक है, सब सीधे खड़े हो जाओ। मैं वादा करता हूं कि मैं सबकी मदद करूंगा, हमेशा सच बोलूंगा और भालू स्काउट्स क्लब के हर नियम का पालन करूंगा। करूंगा। बैठो। सीक्रेट एंथम याद कर रहे हो? नहीं, रूल बुक में एंथम से बचने की तरकीब ढूंढ रहा हूं। हाय बिनी। हाय। हमारे होटल स्पा का ब्रोशर है तुम्हारे पास? हाँ जी। रा थैंक यू। पता है, करण और कबीर 5 दिन के लिए बाहर गए हैं, मेरे रिलैक्स करने का वक्त आ ही गया। मैंने सुना है कि वो मानसिंह जी के साथ कैंपिंग ट्रिप पर गए हैं जंगल में। आपको टेंशन नहीं हो रही? बहुत। वैसे यहाँ मसाज कौन सा बेटर है, थाई या आयुर्वेदिक? मसाज के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार मेरा फुल बॉडी मसाज हुआ था जब मेरी रिक्शा पलट गई थी और मेरी नानी मुझ पर गिर गई थी। रानी, कौन सा मसाज, थाई या आयुर्वेदिक? दोनों ही नहीं, शियात्सु मसाज। श्वेता से कहना कि रानी ने भेजा है। अब श्वेता से कहूं? नहीं, नहीं कहूं? नहीं, कुनाल। कुनाल से मिलूं? नहीं, कुनाल से किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो एक नंबर का चिपकू है और मुझे से दूर भागते हैं। तो फिर मैं किससे मिलूं? हाय। हाय। वो लगेज ट्रॉली में रानी उबर हुई थी ना? नहीं, फोटो होटल, आई मीन शहर, मेरा मतलब तेज छोके चली गई है। शुक्र है। एक्चुअली क्या है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर लंच करने आया हूँ और मैं रानी से किसी हालत में मिलना नहीं चाहता। यहाँ तो बस मैं ही हूँ। गुड, एक्चुअली ग्रेट। रेडी जवानों? यस सर। फॉलो मी। एक एक करके आओ ना।
चलो। बाकी अपनी छोटी सी कैंपिंग ट्रिप एंजॉय करना। आंटी ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कठोर जंगल की गहराइयों का खतरनाक सफर है, जो हमसे टकराएगा। चूर-चूर हो जाएगा। आ, मेरा कैमरा कहाँ है? ओके जवानों, यही हम अपना कैंप साइट लगाएंगे। यहाँ क्यों? सिंपल, क्योंकि ये जगह सूखी है, ऊंचाई पे है और इसकी जमीन पे कोई उबर खाबर नहीं है, है ना मानसिंह जी? नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ और मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। मेरे लिए ये जगह ठीक है। मेरे लिए भी, भूख लगी है यार। तो तू एक और चॉकलेट खा ले। अरे मैंने वो रास्ते में खत्म कर दिया। ले मेरी में से एक खा ले। अरे मैंने तेरी भी खत्म कर दी। क्या तूने मेरी चॉकलेट को हाथ कैसे लगाया? अरे रो क्यों रहा है, चॉकलेट तो है। वो मेरी है ना। जवानों जवानों प्लीज लड़ना बंद करो, हमारे पास इस 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 बैग में हफ्तों तक का खाना है और आज शाम के लिए मेरे पास स्ट्रॉबेरी केक भी है। तो हम आग कब जलाएंगे, बोनारो कब बनाएंगे और टार्जन की तरह पेड़ पे कब झूलेंगे? वो सब तब होगा जब हम यहाँ सेट हो जाएंगे। उससे पहले हमारे कैंप साइट के हमें चारों तरफ एक गड्ढा खोदना है। ओटी जाने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर जाने तक रुकने वाला हूँ। नहीं, गड्ढा इसीलिए खोदते हैं कि अगर बारिश आए तो पानी कैंप साइट से दूर बह जाए। वाह कबीर वाह, तुम सबसे अच्छे भालू स्काउट हो, मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ। आज से तुम भालू स्काउट नहीं, आज से तुम पांडा हो। थैंक यू सर, ये मेरे बचपन का सपना था। ये मैं कहाँ फंस गया? आपकी पीठ में इतनी टेंशन क्यों है प्रीति जी? इस टेंशन का नाम है जुड़वे। मेरे जुड़वा बेटे एक हफ्ते के लिए कैंपिंग ट्रिप पर गए हैं और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ओह नो, कहीं वापस तो नहीं आ गए? I'm so sorry आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुणाल ने मुझे लंच पे इनवाइट किया है और स्मार्ट हैंडसम और अमीर है। ओह, ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपनी कुछ प्रॉब्लम मुझे क्यों नहीं दे देती? प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो 2 साल पहले रानी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिससे रानी लॉबी में छुप के भाग रही थी? हाँ। 2 साल बहुत होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि रानी को तुम्हारे उससे मिलने में कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ओ थैंक्स। वैसे क्या मैं अभी कुछ कपड़े बोरो कर सकती हूँ पहनने के लिए? हाँ हाँ ज़रूर। ज़रा यहाँ दबाना प्लीज़। मुझे से 10 मिनट में मिलना है। मैं ज़रा 2 मिनट में आई। नो प्रॉब्लम, मेरा मीटर चालू रहेगा। चूहों के जूते पहने होंगे। उसने जरूर इससे पहले चूहे के घर पे डाका डाला होगा। वैसे ये हैं तो चूहों के पैर के निशान। करण, तुम्हें कैसे पता? टीवी से सीखा। ओह नो, वो हमारा सारा खाना ले गए। कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि खाने की थैली को रस्सी से बांध के पेड़ पे टांग देना। हाँ, लेकिन मानसिंह जी, अब मैं एक पांडा बैर हूँ, तो मैंने अपना ये काम अपने जूनियर काले बैर राजेश को सौंप दिया था। राजेश, और मैंने नूडल्स को, नूडल्स, और मैंने उसको, मैं भूल गया। अब हम भूखे रह जाएंगे, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अब हम क्या करेंगे मम्मी? ठीक है, चिल पिल राजेश, हम जंगल में, और जंगल में बहुत सारा खाना होता है, हम हमारा खाना खुद पकड़ेंगे एकदम भालुओं की तरह। शाबाश करण, ये हुई ना बात, चलो मछली पकड़ने चले। छी, मुझे मछली बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, जब भूख लगी हो ना तो सब कुछ पसंद आता है, और जब मछली दिखेगी ना तो उसे कच्चा ही खा जाओगे, पकाओगे भी नहीं। चलो फिशिंग रॉड ढूंढो। मिल गई। आपने बिनी की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब क्या चाहिए इस लड़की को?
तुम्हें पता है बिनी ने मेरे साथ क्या किया? नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम बिना बताए जाओगी नहीं। बिनी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। मैंने अभी अभी उसे और कुणाल को होटल के बाहर निकलते हुए देखा। मैं अभी आई। लेकिन बिनी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे 20-25 साल बड़ी हो, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? पहली बात, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, और दूसरी बात, तुम्हीं ने तो कहा था ना कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तो अब इतना अपसेट क्यों हो रही हो? वो तो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि कुणाल मुझे अवॉइड कर रहा था। ओह, इसका मतलब है कि तुम उसे अभी भी लाइक करती हो? हाँ, मैं बहुत नाजुक हूँ, पर अब मैं बिनी को बर्बाद कर दूंगी। या तुम बिनी को सब कुछ सच सच बता सकती हो, आई एम श्योर कि वो समझ जाएगी। नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। श्वेता श्वेता श्वेता, अरे तुम कहाँ जा रही हो? टाइम अप। ये तो बहुत बड़ा है। राजमहल एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा ना? नहीं। स्काउट्स, मैं जानता हूँ कि कल रात का डिनर आप लोगों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। आपने कल हमें पत्तों का सूप पिलाया था। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए आज मैं जंगल जाकर कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ जिनसे मैंने चाय बनाई है। ये देखो। टेस्ट कैसा है? अच्छा है, थोड़ी जड़ी ज्यादा है, बूटी कम, लेकिन अच्छा है। वो क्या था? लगता है वो जंगली चूहे वापस आ गए, या फिर चूहों के साथ एक भेड़िया भी। अगर उन्होंने गैंग बना ली हो तो भागो। कभी डरने की बात नहीं है, हम भालू स्काउट हैं, हम जंगल से डरते नहीं हैं, हम उसके दोस्त हैं। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, गलत पेड़ पे चढ़ गया था। तुझे ये मछलियाँ कहाँ से मिली? भालू के मुंह से चुरा के लाया। सच? नहीं, मुझे सिर्फ टार्ज़न की आवाज निकालना आता है, मैं टार्ज़न नहीं हूँ। करण, तुम्हें इस बहादुरी के लिए प्रमोशन मिलेगी, आज से तुम हो पोलर बेयर। यस, पर वो तो पांडा के ऊपर होता है। लेकिन इन्होंने ये पद अपनी योग्यता से हासिल किया है। मुझे प्रमोशन के साथ क्या मिलेगा? गर्व और बहादुरी का एहसास। और कुछ? कांग्रेट्स यार, तू तो पोलर बेयर बन गया। हाँ, लेकिन तूने किया कैसे? अभी बताता हूँ, ये पकड़ो। चल राजेश, हम भी खाना ढूंढने चलते हैं। लेकिन क्यों? करण ने आज इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी है, आज तो पार्टी होने वाली है। क्योंकि अगर हम भी खाना ढूंढ ले ना, तो हम भी हीरो बन जाएंगे। ये करण ही हमेशा क्यों हीरो बनता है? अरे तो बनने देना उसको हीरो। अरे जब तक डिनर का इंतजाम हो गया, मैं जीरो बन के खुश हूँ। नूडल मेरे लिए भी बचा के रख। मानसिंह जी बोले ना इसे। नूडल थोड़ा, वेरी गुड बॉय। फिर क्या हुआ? सॉरी, वो क्या है ना कि मैं अपनी पेंटिंग की तैयारी कर रही थी तो मैंने आपको अंदर आते देखा ही नहीं। वो क्या है ना कि बच्चे कुछ दिनों के लिए बाहर गए, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा पेंटिंग शुरू कर दी। पहले मैं अक्सर पेंटिंग किया करती थी, लेकिन इनके पैदा होने के बाद तो वक्त ही नहीं मिलता। सोचती हूँ कल करूँगी, अगले हफ्ते करूँ, लेकिन सही वक्त कभी आता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, है ना? टॉवेल्स, शानी सबसे कह रही है कि मैं बॉयफ्रेंड चोर हूँ और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। शानी तो कुणाल को पसंद भी नहीं करती है ना, आपको पता है उसने कुणाल के बारे में क्या क्या कहा था? उसने कहा था कि वो एक बहुत बड़ा लूजर है, जबकि वो लूजर नहीं है, वो बहुत स्वीट है। रुक क्यों गई? और बताओ, मैं सब कुछ जानने के लिए बेताब हूँ। बिनी, सच बात तो ये है कि मुझे लगता है रानी अभी भी उस लड़के को पसंद करती है। आपको कैसे पता? मैं बड़ी हूँ ना, तो ये चीज़ें समझती हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं रानी से बात कर सकती हूँ। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं ही ठीक करूँगी। चल।
चलो अच्छा है, तो फिर रानी से तुम बात कर लो। चांस ही नहीं है। आप जानना चाहते हैं उसने फेस ट्यूब पे मेरे बारे में क्या क्या लिखा है? नहीं। एक मिनट, मेरे फोन पर है। बिनी, दुनिया की सबसे सॉरी, एक्चुअली स्क्रीन छोटा और फोन बहुत बड़ा। वाओ, हेलो अंकल। हेलो छोटे बाबा। तो आप यहाँ रहते हैं? बहुत सालों से। ओ, तो आप दुनिया छोड़ के यहाँ शांति की जिंदगी जीने आए हैं? नहीं, आया तो मैं दोस्त बनाने था। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मेरे ब्रोकर ने मुझे कुछ और ही बताया था। आम खाओगे? नहीं खा सकता। है? मैं एक भालू स्काउट हूँ और हम सिर्फ जंगल में पाई हुई चीजें खा सकते हैं जो सिर्फ मेरा भाई ढूंढ सकता है। मेरा भी एक भाई है, उसकी 2 मंजिलों की बिल्डिंग है और उसकी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। मुझे उसके ब्रोकर को फोन करना चाहिए। तुम सच में आम नहीं खाओगे? क्रीम के साथ भी नहीं? मेरा मतलब भूख तो लगी है, लेकिन मैं भालू स्काउट के नियमों के साथ चीटिंग नहीं कर सकता। खाना ढूंढना मुश्किल होना चाहिए। खाना ढूंढना मुश्किल होना चाहिए तो ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम इसे यहां रख देते हैं। लो, हो गया मुश्किल। बॉय फ्रेंड चोर है और ये सब तो कुछ भी नहीं, उसने और भी बहुत कुछ लिखा है, मैं भी ढूंढती हूँ। नहीं पिनी प्लीज, अगर तुम मुझे सब कुछ पढ़ के सुनाने वाली हो तो बैठो, मेरी पेंटिंग के लिए पोज करो और पढ़ती रहो। पेंटिंग भी करती है? कोशिश तो जारी है। मैंने उसको बर्बाद कर दिया। मैंने सबसे कह दिया कि वो एक बॉयफ्रेंड चोर है और वो अपना कचरा डस्टबिन में नहीं रोड पे फेंकती है। मैं कचरा हमेशा डस्टबिन में डालती हूँ, मैं रिसाइकल करती हूँ। तुम साइकिल तो जरूर करती होगी, लेकिन तुम एक घटिया खतरनाक बॉयफ्रेंड चोर हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे दिलाओ गुस्सा मत। तुमने कहा था कि तुम्हें कुनाल पसंद नहीं है, तो क्या हुआ? मैं कभी कभी झूठ बोलती हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत नाजुक है। और ये बकवास तुमने किसने सिखाई? प्रीति ने। और तुमने किसे डिसाइड कर लिया कि तुम कुणाल के साथ लंच पे जाओगी? क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं। ये तुमसे किसने कहा? प्रीति ने। इसका मतलब तुम प्रीति के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रही थी? हाँ, और प्रीति ने मुझसे कहा था कि 2 साल बहुत होते हैं, है ना? इसका मतलब आपने हम दोनों को लड़वाया? मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था। लेकिन पता होने के बाद भी तो आपने मुझे नहीं बताया। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। अब हम सब जान चुके हैं। हाँ, और हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो। वो टॉवल वाली कहाँ चली गई? हम 5 लोगों के लिए ये एक मछली थोड़ी छोटी नहीं है? सॉरी यार, आज एक ही पकड़ पाया, राजेश ने सारा चारा खा लिया। अरे मुझे लगा वो काजू थे। हम भालू स्काउट्स हैं, हम हमेशा अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। शायद कबीर कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। नो नो, हम गए काम से, अब हमें भूखा मरना पड़ेगा। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? क्या? मैं तो बस कुछ खाना ढूंढने गया था। अब मैं मछली पकड़ने में उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये फल तोड़ के लाया हूँ। अरे वाह पांडा कबीर, वेरी गुड। लेकिन ये तुझे मिला कहाँ से? बस सही पेड़ ढूंढने आने चाहिए। वो तो तू हमें भी उस पेड़ के पास लेके चलना। नहीं, मैंने उस पेड़ से सारे फल तोड़ दिए। हाँ तो तू ये बास्केट कहाँ से लाया? बास्केट तो मैंने खुद बनाई है, लकड़ी के टुकड़े और पत्तों से। लेकिन ये तो एकदम नया। अच्छा बस 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 बस, अभी सवाल नहीं पूछेंगे, अब खाएंगे। कबीर। हाँ? मानना पड़ेगा कि तू यहाँ से स्काउट है,
मुझे लगा था कि तू सिर्फ यहाँ से स्काउट है। मैं तो हमेशा से यहाँ से स्काउट हूँ। कबीर चलो अब यहाँ आओ और खाओ ये खाना कबीर के नाम। कबीर सलाम छोटे कबीर। हाय हाजी। मेरा मतलब हाजी कहिए। अरे भाई तुम अपनी बोतल भूल गए थे, मैंने इसमें अनार जूस भर दिया है, तुम्हें पसंद है ना? ये बुढ़ाऊ कौन है? बुढ़ाऊ कौन है? अपने मसल्स दिखाऊं क्या? एक बार और बुढ़ाऊ बोला ना तो अपनी बड़ी टीवी पर क्रिकेट मैच नहीं देखने दूंगा। बड़ा टीवी? हाँ मेरे घर पे है। वैसे आज स्पेशल में पाव भाजी है। कबीर तूने झूठ बोला ना, तू ये फ्रूट्स जंगल में से नहीं लाया था। कबीर इस हरकत के लिए मैं तुम्हें पैंडा से वापस भालू स्काउट बनाता हूँ। अब चलो, देर किस बात की, पावजी को इंतजार नहीं कराना चाहिए। आओ आओ, आओ, आओ चलो चलो। कबीर तू नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि मैंने भालू स्काउट होते हुए चीटिंग की। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि तू जंगल का बॉस बन रहा था, सबके लिए मछलियाँ पकड़ रहा था और मैं, मुझे तो सिर्फ पेड़ पौधों के नाम आते हैं। तू जेलस हो गया था ना? हाँ, क्योंकि तूने अकेले अकेले मछली पकड़ी और मैंने सिर्फ चीटिंग की। टेंशन मत ले यार, अगर तूने भालू स्काउट क्लब नहीं बनाया होता तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम गलती करो तो उसे भूल के आगे बढ़ो। चल पाव भाजी खाने चलते। मेरे पास उससे भी बेटर आइडिया है, हाजी के भाई का घर उससे भी बड़ा है, वहाँ जरूर तंदूरी चिकन मिलेगा। चल चल। ये मैनिक्योर पेडिक्योर का आइडिया बहुत कमाल का था, कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू गर्ल्स। पता है मेरा दिन कितना बुरा चल रहा था, 2 मिनट का चैन नसीब नहीं हुआ। 2 बच्चों की माँ हूँ ना, शांति क्या होती है मुझे तो पता भी नहीं। एक छोटा सा मसाज, थोड़ी सी पेंटिंग, कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब सब कुछ माफ है। अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। इतनी रिलैक्स्ड कि मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, उन्हें मिस कर रही हूँ। डोंट वरी मॉम, हम आ गए हैं। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर मिस भी नहीं कर सकती? अरे चैन से मुझे मिस भी नहीं करने देते। अरे करो ना।